गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र और पश्चिम देशों के लिए रोल मॉडल का काम करने की आज स्थिति में है। 2800 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारी भरकम राजनीतिक दलों वाला, राजनीतिक दलों की उपस्थिति वाला लोकतंत्र कितना सुंदर और सुहाना होगा। है 2800 में लोगों का सफलता का मानक अलग अलग रहा है। भारतीय समाज रूढ़ियों और पुरानी सदियों से ले प्रथाओं से ज़्यादा उभर नहीं पाया था और उसी के चलते जिन राजनीतिक दलों ने धार्मिक संकीर्णताओं और जातीय संकीर्णताओं व्यक्तियों की जो एक सत्यानाशी रूपी जो चटनी, जो वनस्पति खड़ी थी, उसकी चटनी बना डाली और उसको उपयोगी बना दिया, अपने स्वास्थ्य को ऐसा तरोताज़ा बना दिया कि ढेरों सारे वोटों का अंबार लग गया, कितने वोट लो। तो ये एक प्रकार से अब नए लोकतंत्र, नई प्रणाली जो विकसित की जानी, उसमें नए मतदाताओं को सोचना पड़ेगा कि वो अपनी विकास की अपेक्षा और मांगों को बल दें। मैंने जॉब राइट पर पहले बात की थी कि सत्यानाशी को किसी को न खाने दें, इसे जलाएं। ये पहले बहुत बड़ी थी, अंग्रेज़ों ने इसको और बढ़ाया और वर्तमान लोकतंत्र में इसकी चटनी बनाना तो दूर, इसको जला दिया जाए। धर्मांधता, गंदे मुसलमान को सभी मुसलमान गंदा कहें, गंदे हिंदू को सभी गंदा हिंदू कहें, और बुरे कर्म किसी भी व्यक्ति ने किए तो उसे बुरा एक आपराधिक रूप में जाना जाए। मैंने पहले भी कहा था कि संगीन अपराधियों को हम ये कह रहे हैं वो किसी धर्म और जाति से संबंधित हों, उनको टास्क फोर्स हमारी शुरू से मांग रही है दो गंभीर अपराधों के लिए फांसी की सजा प्रावधान संसद करे, माननीय संसद से भी प्रार्थना कर रहे हैं, और एक सप्ताह अधिकतम एक माह के अंदर करें। शांति और शालीनता इस देश और समाज की ज़रूरत है। हरियाली बहुत है, इस हरियाली को ये अपराध ग्रहण न लगा दें, इस हरियाली की को ये समाप्त करने का काम न कर दें तो खुशहाल भारत के लिए ज़रूरी है कि अपराधियों का दमन किया जाए और वो किसी भी जाति और धर्म के हों, उनको निश्चित अवधि में। ये जो बार बार सुनने में आ रहा है कि अमुक मुख्यमंत्री, अमुक मंत्री, अमुक थानेदार, अमुक गोलदार अपनी जाति के अपराधियों को बचा रहा था, इस तरह की बदतमीजी सुनने में ना आए। ये सभी को एक प्रकार से एक बड़े सख्त लहजे मैसेज भी है कि इस तरह की नीचता प्रदर्शन कोई भी ना करे। धन्यवाद।